in our previous lecture we build our foundations about capitalism as, as an economic system so what we did was we tried to explore uh, various uh, merits and demerits of capitalism for, for women and as it was not simply analysis of world economics or effects of a specific economic system on the other countries. it was analysis of gender so we tried to explore the effects of economic system which is capitalism on women of third world or 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 or, or the or the developed world so usiki continuation may ask topic here. पहले तो हमने सिर्फ ये एक्सप्लोर कि कैपिटलिज्म के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स बट आवर टॉपिक इज वर्ल्ड सिस्टम मी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी बेसिकली ये अलग हैं. लेकिन चूंकि इनका एनालिसिस इट वाज़ अबाउट या यूं कह लें कि दे वर ऑफ़ द सेम लाइन ऑफ थिंकिंग वर्ल्ड सिस्टम हैं या डिपेंडेंसी हैं आप देखेंगे कि ये लैटिन अमेरिका या वो कंट्रीज जहां पे कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा था जो कि सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट ओपिनियन रखते थे एंड आई प्रीवियसली प्रसली अबाउट मॉडर्नाइजेशन थे जिन्होंने इस तरह की थेरीज पेश की कि अगर आप वेस्टर्न इकोनॉमिकन इंस्टीट्यूशन वेस्टर्न पोलिटिकल सिस्टम वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ अगर आप एडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसको आप इंश्योर्ड समझें सो द ओनली वे फॉर इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड इज एडॉपन ऑफ

उनको वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है तो इसमें अब चूंकि इन दोनों का एनालिसिस एक किस्म का था तो इनको कंबाइन कर दिया गया दैट इज हम अक्सर वर्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी इकट्ठा इसको बोलते हैं बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि इसका बैकग्राउंड मतलब वर्ड सिस्टम थे थे क्यों हमने इकट्ठा किया या क्या बैकग्राउंड था किस बैकड्रॉप में इनको पेश किया गया देवर रिएक्शन टू मॉडर्नाइजेशन थे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड सिस्टम थेरी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है आप सिंपली ये कह लें वर्ड सिस्टम थेरी एक्सप्लोर करती है इट टेक्स क्रिटिकल व्यू ऑफ कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम तो क्रिटिक है कैपिटलिज्म का वर्ड सिस्टम थेरी वर्ल्ड सिस्टम थेरी ना सिर्फ कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है बल्कि एक्सप्लेन करती है कि कैपिटलिज्म चंद डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स से निकलकर पूरी दुनिया पे राइज कैसे हुआ है ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना है ये पूरी दुनिया में बहुत से कंट्रीज का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे बना है सो ये ये भी एक्सप्लोर करती है और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है तो पहला हमारा पॉइंट ये होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद कि जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थेरी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है वट डज वर्ल्ड सिस्टम थेरी सीक टू एक्सप्लेन उसमें पहला तो ये है कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन करती है ऑब्वियसली वर्ल्ड सिस्टम थेरी ये कहती है कि अब एक एनालिसिस ये है कि कुछ ऐसे थिंकर्स आए कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने कहा कि जब तक आप इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दे देते तब तक स्टेट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकती जैसे एडम स्मिथ की वो थी वेल्थ ऑफ नेशन थी बुक आ, और उसमें उसने लेसिफेरी का कंसेप्ट दिया कि उनको आजाद रहने दो यानी लोगों को मार्केट्स को आजाद छोड़ो स्टेट को कहा जा रहा है कि लोगों को आजाद छोड़ दो इन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी सो सो so, कुछ लोग तो ये एक्सप्लेन करते थे कि जी हमारे पास इतनी पावरफुल थे और और कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है इज इन लाइन विद डेमोक्रेसी इट इज इन लाइन विद द फंडामेंटल राइट्स इट इज इन लाइन विद बेसिक फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी हो तो उसकी लाजमी और जरूरी शर्त है कि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम फिर कैपिटलिज्म हो लोगों को मुशी तौर पर भी आजाद किया जाए स्टेट का जो रिजिड कंट्रोल है ओवर वो नहीं होना चाहिए सो so तो उन्होंने कैपिटलिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया उसमें आप ये चीजें ले आएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की दे दे वर इंगेज इन मास प्रोडक्शन एज दे सॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड एज देड द मार्किट्स दे नीडेड अदर कंट्रीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इस वजह से उन्होंने उन, उनकी फेवर में था एक ऐसा सिस्टम जिससे अब एक तो है ना कि विदिन अ स्टेट आप आज़ाद छोड़ रहे हो मार्किट फोर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को कह लो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज जो भी लोग हैं उनको कह लो अब ये इंटरनेशनल सिस्टम कैसे बन रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम जो आपने एक स्टेट में दे रखी है इसको आप इन स्टेट्स एक्सपेक्ट कैसे करते हैं या इमेजिन कैसे करते हैं विद इन स्टेट्स तो कैपिटलिज्म या आजादी का तस्वर यही होगा ना कि रियासतों का आपस में ट्रेड फ्री हो ये फ्रीडम हो कि मैं जो चाहूं बेचूं जो चाहे खरीदूं पहले क्या होता था अब naturally, natural resources unevenly distributed है distributed नहीं है नहीं किसी, किसी, किसी के पास कोई कोई हैं किसी किसी के पास नेचुरल गैस है किसी के पास हैं किसी के पास जो है वो मेटल्स हैं तो क्या होता था कि अब फॉर एग्जांपल फ्रांस के पास फूड सीरियल्स नहीं है तो वो फूड सीरियल्स बर्तानिया से अगर मंगवाना चाह रहा है तो ब्रिटेन वो ट्राई टू पीनलाइज फ्रांस कि जितना है कि इसको इनको अगर बेचना है तो इनको महंगा तरीन करके बेचना है वो किस तरह के अगर फूड की फूड सीरियल की प्राइस फॉर एग्जांपल थाउजेंड है तो उसके ऊपर टैक्स होगा हजार रुपया टैक्स लगा दिया तो पहला काम जो कैपिटलिज्म ने किया वो टैक्सेस रिमूव कर दिए और हुआ क्या बाय रिमूवल ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेज वट कैपिटलिज्म डेड वॉज दैट इट डिप्राइव्ड

थर्ड वर्ल्ड को या फ्रांस को या अमेरिका को या किसी भी कंट्री को मैं थर्ड वर्ल्ड को जो जो चीज मर्जी बेचूं वो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे तो इनकी लेन देन पे दोनों तरह के टैक्सेस खत्म कर दिए अगर ये कुछ बेचेगी तो ना उस उसपे कोई टैक्स होगा लेगी ना उस उसपे कोई प्योरली जो उस कमोडिटी या उस प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वही चीज़ इन्वॉल्व होगी इसमें तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम यानी इसने रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी बैरियर्स खत्म कर दिए बैरियर्स किस तरह खत्म कर दिए पहले क्या होता था विद इन स्टेट्स ये होता था कि कंट्रीज वर वर वेरी हार्ड देर नो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट तो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे बिलीव इन मर्केंटलिज्म मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज वो पॉलिसीज क्या होती थी के? सादा तरीन अल्फाज में इसको यूं समझ लेते हैं कि पहली बात तो ये मैंने किसी से ट्रेड करना है करना है तो फिर बाद में उसकी कंडीशंस कहूंगी मैं क्या करूंगा बलुचिस्तान करेगा पंजाब के साथ ट्रेड पंजाब करेगा केपी से ट्रेड तो इन स्टेट्स ट्रेड होगा इस तरह भूखों तो नहीं मरेंगे खैर ट्रेड तो अभी भी पाकिस्तान चाहे तो ट्रेड तो इस तरह हो सकता है हम आपस में प्रोविंस ट्रेड तो चाहे तो कर सकते हैं तो ये प्रैक्टिस थी इसने क्या किया इसने कैपिटलिज्म ने बैरियर्स खत्म करने की कोशिश की कि यार स्टेट्स के बजाय बिटवीन स्टेट्स भी ट्रेड होना चाहिए तो कैपिटलिज्म ने जब ये चीज इंश्योर की कि डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करें तो यही इनको चाहिए था यही कैपिटलिस्ट कंट्रीज को चाहिए था कि अपने कंट्रीज में तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी नहीं और वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे थे कि उनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा थी तो दे नीडेड वर्ल्ड मार्केट उसके लिए उन्होंने फिर ये डंडोरा पीटा कि इस तरह कंट्रीज को इंटीग्रेट किया जाए कि वो उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाया जाए और रेस्ट्रिक्शन खत्म की जाए और हमारे प्रोडक्ट्स थर्ड वर्ल्ड को हम बेच सकें जो वर्ल्ड सिस्टम हैं उन्होंने कैपिटलिज्म को इस तरह एक्सप्लेन किया यानी उन्होंने इसको नंगा किया जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि जी सिस्टम ही यही है इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर इसी जगह इसी तरह से हो सकती है poverty, हो, इसी से सकती है किस तरह एक कंट्री से या चंद कंट्री से निकल के एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बना उन्होंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया वो हमने देख लिया वर्ल्ड so, सिस्टम ने पहली चीज जो एक्सप्लेन की वो राइज ऑफ कैपिटलिज्म की इन द वर्ल्ड कैपिटलिज्म निकला कैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन बड़ी बात की वो है और यूरोपियन यूनियन का जो एनालिसिस है ना वो अगर आप ग्लोबलाइजेशन के डिस्कोर्स में दें तो वो ज्यादा अच्छा है हम तो फिलहाल यूरोपियन यूनियन को तो चलो फायदा हुआ बिल्कुल हुआ उसका ये है कि उनके जो आपस में इंटीग्रेट होने की रीजन थी एक तो सबसे बड़ी रीजन ये थी कि वो तो इक्वल पोजीशन पे थे ना बर्तानिया अगर फ्रांस से या फ्रांस अगर ग्रीस से या ग्रीस अगर पुर्तगाल से या स्पेन से एक दूसरे से कुछ ले दे रहे हैं तो कम अज कम मोरलेस इक्वल पोजिशन पे इनकी इकोनॉमीज में कोई बहुत मेजर नहीं है अब अगर वहां का एक कंट्री उठ के एशिया या अफ्रीका के किसी कंट्री से ट्रेड कर रहा है जिनके पास फिनिश्ड गुड या प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं तो उस अन वो, एक्सचेंज तो होगा या अन ट्रेड बैरियर्स तो आपने हटा दिए लेकिन हमारे पास कुछ हो के उनको बेचें हमारे पास कुछ है ही नहीं कि उनको बेचें तो ऑब्वियसली हम उनसे खरीदेंगे ही तो अल्टीमेटली इस अनब्रीडेड ट्रेड इस अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड का जो बेनिफिशियरी होगा वो वेस्ट ही होगा या डेवलप्ड स्टेट्स ही होंगी हम अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स uh, और इंपोर्ट्स का इंबैलेंस करके हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं होगा हम कर्ज में डूबे हुए होंगे तो हमें कोई इस ट्रेड का फायदा नहीं होगा अगर कुछ बेचेंगे तो उससे कुछ रेवेन्यू कमाएंगे तो हम एट बेस्ट रॉ मटेरियल ही बेच सकते हैं और रॉ मटेरियल की कोई कीमत नहीं होती एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट अच्छा फिर वर्ल्ड सिस्टम ने क्या एक्सप्लेन किया कि दुनिया में कोर पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज कैसे मार्जूर कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरल अब ये ट्रांजिशन कैसे एक्सप्लेन किया सिंपली वर्ल्ड सिस्टम कह रहा है कि जो इकोनॉमिकली सबसे डेवलप्ड है जिनके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है जिनके पास तो चूंकि डेवलप्ड वर्ल्ड के पास ये ये कैपेबिलिटीज थी इनको कह दिया कि ये कोर कंट्रीज हैं कोर से मुराद क्या हैं यूं समझ लें कि इसको जैसे न्यूक्लियस या सेंटर कहा जा रहा है सेंटर से मुराद ये है कि ये ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं सो दे आर हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ड्यू टू दैट या यूं कह लें कि इस ट्रेड से जो बेनिफिट मिल रहा है इकोनॉमिक ये उसके लीडर्स हैं तो इनको कोर कंट्रीज कह दिया गया हम कहते हैं ना कि जो सोसाइटी के एजेस पे पाए जा रहे हैं एट एट द द द द ऑफ ऑफ सोसाइटी एजेस दो सबसे अंडर प्रिविलेज है तो ये टर्मिनोलॉजी वो है इसका मतलब हकीकत में यह नहीं है कि देर एट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड तो कोर कंट्रीज जो हर लिहाज से डिवेलप्ड है अब कोर कंट्रीज के बाद आते हैं या यूं कह लें कि कोर के बाद एक कैटेगरी है जो बिल्कुल अंडर डिवेलप्ड है उनको पेरिफ्री कंट्री कहा गया पेरिफरल या पेरिफ्री कंट्री वो क्या है जिनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय रॉ मटेरियल के अब उन पेरिफ्री कंट्री या पेरिफरल कंट्रीज में से जो आहिस्ता 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 इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं दे आर इन बिटवीन कोर एंड पेरिफ्री कंट्रीज उनको कह दिया गया सेमी पेरीफरल कंट्रीज और वो कैसे दरमियन में आए हैं या कैसे उन्होंने इकोनॉमिकली थोड़ा वो मॉडर्नाइज किया अपने आप को जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता रॉ मटेरियल बेच 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 के कुछ उन्होंने खुद उनमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ आई और कुछ उन्होंने रॉ मटेरियल बेच के मशीनरी खरीदना शुरू कर दी वेस्ट से बजाय उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदने के मशीनरी खरीदना शुरू कर दी और खुद चीजें प्रोड्यूस करना शुरू कर दी तो वो सेमी पेरीफ्रिक कोर तक अभी नहीं पहुंचे और उसकी रीजन है कोर तक वो पहुंच सकते नहीं है वो चीज हम आगे आके एक्सप्लोर करेंगे या बहुत टाइम लगेगा उनको या एबल टू बी और हैं एक इन्होंने ये कि कोई कंट्री जो है वो कोर कंट्री कौन सा है कोर से ये पेरीफ्री या सेमी पेरीफरल कैसे लाइक जापान आफ्टर न्यूक्लियर अटैक बिल्कुल ये आपने अच्छी एग्जाम्पल दी है तो जापान जो है ये इट इट वाज रूए इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल तबाह था बट इन्होंने क्या किया इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया अपनी एजुकेशन को ही इतना मॉडर्नाइज किया एजुकेशन को ही वही एजुकेशन बाई डेंट ऑफ विच वेस्ट बिकेम कोर कंट्री तो वेस्ट मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज तो ये उन्होंने अपनी एजुकेशन को इतना मॉडर्नाइज किया था जिसके ये रिजल्ट हैं और उनकी रिसर्च भी यही थी उनका जो एम्पर था उसने बाकायदा अपने डिफरेंट ये बैठ के ये फरमान जारी किया था कि हमारा वेस्ट से जो अब इंतकाम होगा वो माशी मैदान में होगा हम लड़ेंगे नहीं हम अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे क्योंकि उसने देखा इमेज देखा कि टेक्नोलॉजिकली हम कभी भी इतना ग्रो कर ही नहीं सकते कि हम हमारे लिए ट्रेडिशनल वॉर ऑप्शन ही नहीं है तो उसने कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर दुश्मन कुछ चीज़ों में उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका एजुकेशन अगर हमसे सुपीरियर है कल्चर या उनके इंस्टीट्यूशंस अगर हमसे सुपीरियर हैं तो लेट्स कल्चर्स इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशन सिस्टम तो ये उनका रिवेंज था और एक हमारा रिवेंज है उसके बाद कमोडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने जो एक ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है ड्यू टू कमोडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इस चीज को एक्सप्लेन किया वर्ल्ड सिस्टम थे में देखें अब ग्लोबल लेवल पे पहले हमेशा प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट ही ये था कि प्रोडक्शन की जाती थी सब्सिस्टेंस लेवल की जितनी चीज की जरूरत होती थी उतनी प्रोड्यूस की जाती थी कैपिटलिज्म ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि इट वाज़ कैपिटलिज्म इट वाज़ कैपिटलिज्म द इकोमीज ऑफ द वर्ल्ड इन सच अ मैनर

अब आप अपनी लाइफ में आप ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आप जो बड़े बड़े मॉल्स में या वन डॉलर शॉप पे ऐसी हजारों लाखों चीजें पड़ी होती हैं जो आपको सिर्फ फील होता है कि हमारी जरूरत है वो आपकी जरूरत होती नहीं तो कमोडिटीज दुनिया का सबसिस्टेंस लेवल से कमोडिफिकेशन की तरफ जो ट्रांजिशन है इसको वर्ड सिस्टम थेरी ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि ये किस तरह कैपिटलिज्म ने दुनिया को फ़ॉल्स नीड्स की तरफ ले आया है और अपना प्रॉफिट ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं एट एनी कॉस्ट और और कंट्रीज को ये एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कि अगर आप इफ यू आर ब्लाइंडली गोइंग टू वेस्टर्न मॉडल देन इट हेल्प यू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज वेस्टर्न कैपिटलिजम इज फोर्सिंग यू टू प्रोड्यूस दो विच आर नॉट नीडेड बाई द पीपल सो इफ यू टू मेक योर सेल्फ इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डूज एक मुल्क हो जहां पे रोटी की जरूरत हो वहां पे आप गाड़िया पैदा करना शुरू कर दें रोटी की जरूरत हो वहां पर आप कोई ये ये ब्यूटिफिकेशन के कोई कोई ये आर्टिफेक्ट बनाना शुरू कर दें डेकोरेन की चीजें बनाना शुरू कर दें तो यहाँ पे नहीं बिकेंगे ना तो हम अगर अपनी इकोनॉमी में देखें तो हमें कमोडिफिकेशन के बजाय पहले तो बेसिक नीड्स की तरफ जाना चाहिए जो जरूरत की चीजें अगर हम वो अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद हम कुछ आगे का सोच सकते हैं तो आप अगर किसी मेगा सिटी में कराची लाहौर मुल्तान कहीं भी आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं तो आपको शायद ये चीज रियलाइज ना हो विजिट अ विलेज वहां पे जाके आप देखें कि अब कितनी एक चीजें जो आप शहरों में देखते हैं उनकी जरूरत है सो ये है अगर अगर आप एज ए होल एज ए अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो वेस्टर्न मॉडल इज नॉट अ अब मॉडल टू अडॉप्ट बाय द थर्ड वर्ल्ड सो कमोडिफिकेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया एंड क्यों एक्सप्लेन किया कि इसके इसके हार्म्स इसके क्या हैं कमोडिफिकेशन तो के आप देखें ना कि अगर जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं उनमें जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है कंज्यूम हमारे जैसे बद वक्त कर रहे हैं अब पिछले दिनों में वो ये एक वो निकली हुई गेम ये टक टक वाली मेरे ख्याल से तो इसने बिलियंस की तादाद में जो भी अल्लाह उसको दो में ले जाए बिलियंस की तादाद में ये जो उसने टॉय ये इजाद किया है उसको इसकी कहाँ पे हमारे जैसे अनपढ़ गंवार उसकी कंजम्पशन में डिवेलप वर्ल्ड में कितने एक बच्चे होंगे जो वो टक टक सारा दिन करते फिर रहे होंगे सो so, इस मोडिफिकेशन का हाम ये है कि इत, इत, इत एक मॉडिफिकेशन सिर्फ उनके बेनिफिट में है दैट इज वे वर्ल्ड सिस्टम थेरिस्ट एक्सप्लेन दैट द सिस्टम इज डेंजरस फ्रॉम सबसिस्टेंस लेवल टू कमोडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन इसके हार्म के अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर फॉर नेशन स्टेट्स एंड रीजंस अब ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या है इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर फॉर नेशन स्टेट्स एंड ये कैपिटलिज्म ये वर्ल्ड सिस्टम थे ही ने एक्सप्लेन किया कि कैपिटलिज्म एक एक ऐसी जोंक है ए, ए, एक ऐसा कौन चूसने वाला एक जो है वो सिस्टम है जिसने पूरी दुनिया को रिजिड मोड में घुसा दिया डेवलप्ड वर्ल्ड उस अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज फॉल्सली बिलीविंग

एक एक नेशन को पता है कि मेरा रॉ मटेरियल बिक रहा है बस ठीक है मेरे मुझे जो है वो मिल रहे हैं मुझे वहां से पैसे मिल रहे हैं बस ठीक है सो इट अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड टू रियलाइज दैट to थिंग टू the, the world इन 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 वेरी लो फाइनेंसे बड़े बड़े बड़ी चीपर प्राइसेस पे उन्होंने अपने प्रेशस रिसोर्सेस अपनी मेटल्स अपना रबर अपनी वुड अपनी कॉटन अपने फूड सीरियल्स और पता नहीं क्या क्या अपने अपनी मेटल्स ये उनको दुनिया को बड़े बड़े कोड़ी के भाव में बेचा तो अब ये तो कैपिटलिज्म ने दुनिया को इकोनॉमिकली कैप्चर ही इस तरह कर लिया कैपिटलिस्ट स्टेट्स ने कि एक स्टेट है उसको पता ही नहीं है वो अपना नुकसान कर रॉ मेटेरियल दे के उसको रॉ मेटीरियल को थोड़ा सा भी उस पर अगर ऊपर काम कर ले तो उसके लिए भी वो अर्निंग का एक बेटर सोर्स बन जाएगा इसकी मैं अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि मार्केट में बीस रुपए वाले बिस्किट भी हैं और छ छ सात सात सौ रुपए वाले बिस्किट्स भी हैं अब उनका बेसिक सोर्स जो है वो ये जौ या गंदम यही है उसी से उन्होंने उसकी अच्छी पैकिंग कर दी है उसके ऊपर कुछ चीजें मिक्स कर दी हैं तो वो एक सात सौ रुपए का जो इतना बिस्किट बिक रहा है आप देखें इसके सात सौ रुपए की गंदम कितनी बन जाएगी वो थोड़ी सी गंदम से इतना महंगा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं है क्या उसका प्रिंसिपल यानी रॉ मटेरियल गंदम में और फिनिश्ड प्रोडक्ट बिस्किट है जिसके वो इतना चार्ज कर रहे हैं तो ये अब अब थर्ड वर्ल्ड को ये रियलाइज नहीं हो रहा था तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने वर्ल्ड मार्केट्स को कैप्चर इस तरह किया कि जी एक काम पे लगा दिया और फॉल्सली उनको ये बिलीव करवाया कि जी आपका ये काम है दुनिया पूरी इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड हो चुकी है फलां कंट्री फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा फलान कंट्री इसका सिर्फ टायर बनाएगा फल कंट्री इसका रबर बनाएगा फलान कंट्री सिर्फ उसके ऊपर पेंट करेगा सो ये जो इंटरनेशनल डिविजन ऑफ लेबर कर दी है बिटवीन स्टेट्स ये भी कैपिटलिज्म ने किया है वर्ल्ड सिस्टम एक्सप्लेन इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर एक का काम तुम्हारा काम ये है तुम्हारा काम ये है जो लेबर डिवाइड की है इसको इसने एक्सप्लेन किया फिर अब हमने पीछे बात की सर कैन वी ऐड एड लेबर इन दिस टर्म व्हेन वी हर्ड दैट फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट पर में लेबर हाँ फीफा मतलब फीफा दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम अगर इसमें महारत रखते हैं तो हमें इस चीज़ को कैश करवाना चाहिए अब ये अब तो स्टेट्स जो है ना इस टाइम की जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना उसको तो आप सप्लाई चेन कहें तो बेहतर है इस टाइम तो यह है कि जो कंट्रीज जिस चीज में स्पेशलाइजेशन रख के बैठे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन शुरू में जो डिवीजन हुई ना जिसमें कंट्रीज को रियलाइज नहीं हो रहा था कि हम और बहुत कुछ कर सकते हैं वो चीज शुरू में कंट्रीज के लिए हार्मफुल थी खास तौर तो पर विद रिस्पेक्ट टू तो देयर रॉ मटेरियल्स तो इसको यूं समझें कि दे वर डूम्ड टू डू दिस उनके पास कोई और ऑप्शन कैपिटलिस्ट स्टेट्स ने छोड़ा ही नहीं था अब ये जो कोर और पेरीफरी और सेमी प्रेफरल कंट्रीज इमर्ज हुए ये हुए कैसे मैंने पहले कहा ना कि मैंने पहले तो सिर्फ आपको नाम बताए ये वर्ड सिस्टम थेरी एक्सप्लेन करती है कि कोर पेरीफ्री और प्रेफरल कंट्रीज कैसे सबसे पहले तो ये है कि डिवेलप्ड कंट्रीज में अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज में अनईक्वल एक्सचेंज है प्रोडक्ट्स का उनके दरमियान ट्रेड का या प्रोडक्ट का अन एक्सचेंज है इस पे मैंने ऑलरेडी बात की जाहिर है उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज वो थी नहीं कि वो जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड के बराबर तो ये डिस्टिंक्शन ये तो पैदा हो गया ना तो एक कंट्री ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है तो ज़ाहिर है वो ज्यादा वो वो इकनॉमिकली ग्रो करता जाएगा और बाकी जो है वो अंडर प्रिवलेज होते जाएंगे वो पुरानी जो लॉजिक है उसकी काल माफ की कि गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर। तो इस तरह एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन तो ऑलरेडी हो गई एक कंट्री मुसलसल बेची जा रहा है एक कंट्री मुसल खरीद रहा है और अपने प्रोडक्ट्स इंतहाई सस्ते दामों में बेच रहा है अपना रॉ मटेरियल और उसी रॉ मटेरियल को थोड़ा बहुत चेंज करके वो कंट्रीज उसको वापस बेच रहे हैं तो ये अब दिन ब दिन कैसे गरीब होता जा रहा है कंट्री के इसके पास वट एवर थिंग ऑफ वैल्यू इट 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 हैड वो भी ये दे रहा है और इतनी इसकी एबिलिटीज है नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीद सके तो इसके पास रिलेटिवली कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आ बहुत कम रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी कमोडिफिकेशन की वजह से वो चीजें आ रही हैं जो इसकी इकोनॉमी में कोई रियल वैल्यू ऐड भी नहीं कर सकती तो ये बड़ा एक अनईक्वल एक्सचेंज हो गया जिसमें हमारे पास एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन वजूद में आ गई कि कुछ कंट्रीज देवर विनर्स ऑफ दिस अन एंड सम ऑफ द कंट्रीज वेरी एंड देयर लॉस वेरी टंजीबल टू 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 ऑब्जर्व फिर अब पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करे या नेपाल भूटान से करे या श्रीलंका बांग्लादेश से करे समझ में आती है चिल्ली पीरू से करे पिरू चिल्ली से करे मैक्सिको किसी और कंट्री से करे या कोई जो छोटे छोटे आईलैंड हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करें तो समझ में आता है मैं अगर अब कहूं कि मैंने ट्रेड करना है जी जो 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 है है वो आ, मैंने जो ट्रेडिंग का कंपटीशन ना वो करना है अंबानी से या माइक्रोसॉफ्ट के किसी बंदे से इस तरह किसी तो ये होगा क्या और ट्रेड भी किस तरह करना है मैंने भी वही चीजें बनानी है और उसने भी वही चीजें बनानी है और वो मुझे अगर कुछ बेचे या मैं उसे कुछ बेचूं तो कोई मसला नहीं है दोनों हमें किसी से टैक्स नहीं लेंगे होगा क्या मेरी सोसाइटी में मुझसे कौन खरीदेगा तो हमने इस जब जब हमने बॉर्डर से सॉफ्ट कर दिए तो इतना अनकंट्रोल्ड कंपटीशन था कि इस कंपटीशन में हो ही नहीं सकता था कि डेवलप्ड वर्ल्ड विनर होती इस कंपटीशन में फॉर ऑब रीजंस हमने लूजर ही होना था जिसकी सादा सी मिसाल ये है कि आप आपकी कोई अमृत कोला या फलां कोला या कोई गोरमे कोला कोक का मुकाबला करके दिखा दे आपका कोई फलां फ्राई चेक पिज़्ज़ा आपको फलां आपका मुकाबला करके दिखा दे उनके मैकडोनल्ड या के एफ सी का आप पैलेस्टीन को जरूर सपोर्ट करें लेकिन पहले उस तरह का कोई बर्गर प्रोड्यूस तो करें आप उस तरह की कोई शॉप आप उस तरह का कोई दुकान ही बना लें उस तरह की कोई वहां उस तरह की लाइट्स लगवा लें उस तरह का अंदर का फर्नीचर आप लगा लें अगर आप माइन्यूटली इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो अगले दिन मेरे एक आईटी के दोस्त है उन्होंने मुझे तकरीबन को पंद्रह मिनट की ब्रीफिंग दी है कि इसकी ईच एंड एवरी थिंग प्लान है फर्नीचर से लेके लाइट्स का कलर और पता नहीं क्या क्या है जो प्लान है मैकडोनल्ड का ऐसे ही नहीं वो दुनिया के लीडर बने बैठे तो अब उससे हुआ क्या कि जब ये ये ट्रेड ओपन हुआ कैपिटलिज्म था इस ट्रेड के ओपन होने में तो जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई जाहिर है जिनकी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड थी उन्हीं के प्रोडक्ट्स दुनिया में बिके और बिक रहे हैं सो जो इंडिजिनस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी थी इट बिकेम लेस कम्प इंडिजिनस इंडस्ट्रीज ये एक रीजन बनी जिस वजह से हमारे पास सेमी जिस वजह से हमारे पास कोर कंट्रीज और पेरिफेरल कंट्रीज वजूद में आए मतलब पहले आप दुनिया ओपन हुई नहीं है किसी को पता ही नहीं है किसके पास कितनी वेल्थ है अब दुनिया ओपन हो चुकी है एक दूसरे से एक्सचेंज बढ़ चुका है आप अंधा भी जान लेगा कि कौन कौन सी स्टेट जो है इज विनर ऑफ दिस गेम एंड इज इज राइटफुली बीइंग कॉल्ड एज अ कोर कंट्री और कौन सी स्टेट एक्सप्लेन कर रहे हैं कोर और इमर्ज कैसे हुए उसमें एक रीजन डिस्ट्रक्शन था ड्यू टू दिस और बड़ा मसला कोर कंट्रीज जरूरी नहीं है कि कोर कंट्रीज पैदाशी तौर पे उनके पास एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा इंप्रेसिव था जो कुदरती तौर पर वो इतने माला माल थे अगर आप नेचुरल रिसोर्सिस या रॉ मटेरियल की कैपेबिलिटीज की बुनियाद पर बात करें तो उस लिहाज से तो मतलब तो दुनिया का कोई रीजन सेट एनी वेयर अफ्रीका के पास पता नहीं क्या क्या है उन्होंने वो पता नहीं कितना डायमंड यहाँ से चुरा के ले गए हैं दुनिया की सबसे महंगी जो है वो मेटल है तो डायमंड अफ्रीका से वो ले गए रबर वो अफ्रीका से ले गए एशिया से इंडिया से पता नहीं क्या क्या उठा के वो ले गए तो अगर उनके पास ये कोर कंट्रीज के पास जो वेल्थ है जो कि वो इस टाइम फ्लांट करते फिरते हैं और जो ये कहते हैं कि ये तो कैपिटलिज्म की वजह से आई है कोर कंट्रीज जो कहते हैं जी हमारा तो इकोनॉमिक सिस्टम ही इतना इम्प्रेसिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंड माइट दैट वी वी अकर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इतना इतना था, इतना अच्छा था अच्छा तो ना ना। आप लोगों ने मिलिट्री कंक्वेस्ट से रिप्रेशन के जरिए वॉर्स के जरिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री कॉलोनाइजेशन के जरिए आप जो, जो आज आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ना ये नाम आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का दिया है वो आपसे कम नहीं थे आप गए वहाँ पे आपने उनके जो है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय किया उनकी लोकल इंडस्ट्रीज उनकी ट्रेडिशन उनके कल्चर सब कुछ सप्रेस किया उनको जहनी तौर पर गुलाम बनाया एजुकेशन सिस्टम अपना इंस्टॉल किया पोलिटिकल सिस्टम अपना इंस्टॉल किया वहाँ का जितना रॉ मटेरियल था आप चुरा के इवन आ, आज उनके म्यूजियम्स में इतने वो यहाँ के यहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे वो तक चुरा के लेगा यहाँ से तो आपने यहाँ पे छोड़ा ही कुछ नहीं है ये आपका इकोनॉमिक चोरी थी सो इट वॉज थ्रू मिलिट्री कंक्वेस्ट दैट यू बिकेम एंड कैपिटलिस्ट कन्क्वेस्ट क्योंकि वो कैपिटलिज्म को एक एक्सप्लाटिव सिस्टम कह रहे हैं तो ये आपके हाथ में एक एक्सप्लाटेटिव सिस्टम था और मिलिट्री माइट थी इस वजह से आप कोर कंट्रीज बने हैं तो so ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखा कि इन इन फैक्टर्स की वजह से आ, हमारे पास कोर और पेफरी कंट्रीज इमर्ज हुए अब इनमें आगे आता है डिपेंडेंसी थेरी जो कि हमने इसको मिक्स कर दिया था कोर कंट्री और डिपेंडेंसी थेरी को हमने मिक्स कर दिया था कोर कंट्रीज और डिपेंडेंसी थेरी को हमने मिक्स किया था तो इसमें जो कोर कंट सॉरी वर्ल्ड सिस्टम थेरी और डिपेंडेंसी थे वर्ल्ड सिस्टम थेरी ने कैपिटलिज्म को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया अब डिपेंडेंसी थे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये हुआ कि कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया पे एज एज एन इकोनॉमिक सिस्टम उसने डोमिनेट किया वर्ल्ड को बल्कि डिपेंडेंसी भी क्रिएट हुई जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे या जो पेरिफेरल कंट्रीज थे वो डिपेंडेंट भी हो गए ऑन द कोर कंट्रीज तो ये जो डिपेंडेंसी थे अब इसको एक्सप्लेन किया है डिपेंडेंसी थ्योरी तो सिंपली पहली कौन सी डिपेंडेंसी है क्लासिकल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्लासिकल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में क्या है हमारे पास अपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए क्या है या तो आ, हमारे जैसे कंट्रीज थे आ, मसला ये था कि एक रीजन में जित जो कंट्रीज होते थे उनके पास कोई बहुत कुछ एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए नहीं होता था इंडिया है या पाकिस्तान है जोग्राफिकली इतने सिमिलर हैं कि एक दूसरे जैसे जैसी हमारे पास चीजें हैं नेपाल या भूटान है या जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो मोर और लेस उन सभी की कैपेबिलिटीज एक जैसी हैं कल्चर्स एक जैसे हैं तो क्या एक दूसरे स्... वो चाहते भी तो उनके दरम्यान लेन देन रहना बड़ा मिनिमल था अब इसके साथ पॉपुलेशन सभी की एक्सपेंड कर रही थी तो ये मजबूरी थी और हम इस टाइम को बहुत पुराना दौर नहीं इमेजिन कर रहे हैं नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटीज की ये हैं उस टाइम देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बन चुका है तो पाकिस्तान को तो या इंडिया बन चुका है तो उनको एड भी चाहिए उनको डेवलप्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी चाहिए उनके पास इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली नहीं है तो उनको कुछ फिनिश्ड चीज़ें भी चाहिए उनको एक जो है वो मशीनरी भी चाहिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी चाहिए और जो कुछ उनके पास है वो फॉर मल्टीपल रीजन फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करना ही नहीं चाहते थे तो जाहिर है उन्हें उन्हें भी नई मार्केट चाहिए जहां पे उन्होंने ट्रेड करना है तो एक किस्म की डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई कि सिर्फ वेल्दी नेशंस ही इस काबिल थी कि वो इनसे इनका रॉ मटेरियल ले लेती एक दूसरे की जो अपॉर्चुनिटीज थी जो पॉसिबिलिटीज थी वो थी बड़ी लिमिटेड ट्रेड की तो रॉ मटेरियल इन्होंने देना शुरू किया तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है उन्होंने रॉ मटेरियल धड़ाधड़ लेना शुरू कर दिया इनसे सो दिस वाज क्लासिकल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जिसमें हम रॉ मटेरियल्स ले रहे थे और फिनिश प्रोडक्ट्स उनसे ले रहे थे फिर एसोसिएटेड डेवलपमेंट डिपेंडेंसी एक तो चूंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उनके साथ सिंक्रोनाइज होगी हम इकोनॉमिकली कर ही नहीं सकते थे इन आइसोलेशन हमें चाहिए थे कुछ ऐसे कर, आज हम दे, आ आज हम ये बात करते हैं ना कि दुनिया की इकोनॉमी कनेक्टेड है और किसी एक भी बड़ी स्टेट में अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है कोई शॉक आता है तो पूरी दुनिया फेस करती है ट्रेड वॉर हो रही है दो जाइंट्स की चाइना और यूएस की पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है हो रही है वी आर फेसिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन ट्रेड वार हो रही है टर्की और यूएस की एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं या आसपास के कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं इकोनॉमीज इस हद तक इंटीग्रेट हो गई हैं कि देयर प्रॉस्पेरिटी इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन देयर कनेक्शन विद अदर हमारी भी ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन तो नहीं था बट

सो so, ये एसोसिएटेड जो हमारी डिपेंडेंसी थी डिपेंट की कि डिवेलप हमने करना था बट ऑफ एसोसिएशन विद अदर कंट्रीज ये एसोसिएटेड डिवेलपमेंट डिपेंडेंसी एक तो हो गई दूसरा ये था कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल पे तकिया कर नहीं सकते थे वी कुडंट जस्ट डिपेंड ऑन एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल वी नीडेड फिनिश वी नीडेड मशीनरी टू मेक फिनिश प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू कम्पीट विद अदर चेंज आर इकोनॉमिक कंडीशंस विद रैपिड पेस रॉ मटेरियल तो बेचने पे लगे रहते तो और हजार साल हम हमारे पता नहीं क्या हालात होते तो जो वो मशीनरी एक्सपोर्ट करनी थी उसके लिए भी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे अब अगर उनसे मशीनरी लेनी थी तो बहुत सारा रॉ मटेरियल दे के हमें वो मशीनरी मिलनी थी देड uh, uh, दिसवान उनके पास फिनिस्ड मशीनरी थी वो जिन इकोनॉमिक टर्म्स पे चाहते उन टर्म्स पे हमारे पास ट्रेड करते हैं एंड वी एक्सेप्टेड दो टर्म्स जिस जिस जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल गया थोड़ी सी फिनिश्ड थोड़ी सी जो है वो मशीनरी के लिए तो डिपेंडेंट तो हम उनके ऊपर हो गए मशीनरी के लिए भी सो दिस वाज एसोसिएटेड डेवलपमेंट डिपेंडेंसी ये डिपेंडेंसी की दूसरी किस्म थी फिर डेट डिपेंडेंसी अब हुआ ये कि हमारे पास अपना रॉ मेटीरियल बेच के कभी भी ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम उनसे मशीनरी खरीद सकते हम क्या करते फिर हमें वो ख़ुद हमारे पास ऐसी पेशकश लेके आते जी हम आपके पास फला प्रोजेक्ट लगा देते हैं इस प्रोजेक्ट से आपके पास इतनी एम्प्लॉयमेंट होगी इतनी प्रोडक्शन होगी आपको ये फ़ायदा होगा हम आपसे बस थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम आपको कर्ज़ा देते हैं उस कर्ज़े से आप हमसे फला मशीन ख़रीदें और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा से इंटरेस्ट चार्ज करना है और हुआ ये कि हमारे इकना क्योंकि क्योंकि हमारे हमने जो भी पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की जो भी चीजें उनके लिए जो भी पॉलिसीज उनकी मानी जो भी मशीनरी ली वट वी डेड हमने ऐसी हरकतें की कि, कि कभी भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उससे तो ठीक हो नहीं सकती थी एंड उनको भी ये पता था कि जो पॉलिसीज फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट्स जो है वो बड़ा बड़ा फख्र करती हैं इस पे कि जी हमने इसमें मज़ीद इतने लोग शामिल कर लिए हैं जिनको हम भिखारी बना दिए मजीद इतने लोगों को हम चंदा दे रहे हैं मज़दी इतने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऊपर जितना गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है इसके तीसरा हिस्सा लगा कि अगर ये कोई अच्छी पॉलिसी बनाए कोई एजुकेशन अच्छी दें कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना दे तो उससे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है कि वो उनके, वो उनके पूरे पूरे खानदानों की किस्मत बदल दे तो हमने कभी अच्छी पॉलिसीज अडॉप्ट की नहीं और वो पॉलिसीज या जो भी प्लान हमें मिले वो भी वेस्ट से मिले कैपिटलिस्ट कंट्रीज से मिले और उनको पता था कि ये अल्हमद इस काबिल कभी भी नहीं होंगे कि जो पॉलिसी या जो प्लान हम इनको दे रहे हैं उससे ये कभी इतने इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे कि ये हमारा कर्जा वापस कर सके सो so, उन्होंने हमें ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्लान दिए साथ कर्जा दिया हम इस कबिल भी ना हो सके कर्जा प्रिंसिपल अमाउंट दूर की बात है उसका इंटरेस्ट भी दे सकें जो खाली उसके ऊपर सूद था तो अब हम उनके डेट के जाल में फंस गए जिसको हमने कह दिया डेट डिपेंडेंसी इस तरह वर्ल्ड सिस्टम थेरी ने कैपिटलिज्म को और टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज को एक्सप्लेन किया एंड टुगेदर थ्योरीज बेसिकली ट्राई टू एक्सप्लेन टूगेदर दीज इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड यहां पे ये तो बात होगी खत्म दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिज थ्योरीज अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं फॉर अ मोमेंट आप लोग भूल गए होंगे कि हम तो जेंडर स्टडीज पढ़ रहे थे तो जेंडर स्टडीज का कंसर्न एक था जेंडर स्टडीज को ये मसला नहीं था कि ये कैपिटलिस्ट हैं या ये जो हैं जिन्होंने वर्ल्ड सिस्टम और मॉडर्नाइजेशन और डिपेंडेंसी हैं कम्युनिस्ट हैं इनको इन से मसला नहीं था कैपिटलिस्ट परस्पेक्टिव सिर्फ इस बारे में सॉरी फेम्युनिस्ट परस्पेक्टिव सिर्फ इस बारे में कंसर्न था कि ये जो थेरिस्ट हैं अगर इन्होंने किसी और इकोनॉमिक सिस्टम का या किसी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रिटिसाइज किया है तो क्या इनके पास कोई बेटर मॉडल है जिससे विमेन इम्पावर हो सके या जिससे विमेन ग्रो कर सके या अगर इन्होंने इस ये क्रिटिसाइज किया है तो इन्होंने इस अपने एनालिसिस में विमेन के बारे में कोई ऐसी बात की है या अपने इस डिस्कोर्स में अपने इस पर्सपेक्टिव में वेमेन की पोजीशन क्या आ रही है ठीक कौन सी बातें की हैं गलत कौन सी बातें की हैं और अगर वर्ड सिस्टम ये वर्ड सिस्टम और डिपेंडेंसी थे तो व्हाट इज बेटर इनके पास ऐसा क्या ऐसी क्या वो जादू की छड़ी है कि जिससे विमेन ग्रो कर सके जेंडर तो इस हद तक कंसर्न हो सकती है जो जेंडर स्टडीज है या जो फेमिनिस्ट एनालिसिस है तो अब वो बात करते हैं कि जी इनकी रॉन्ग एजम्पन्स क्या थी जेंडर डिवेलपमेंट के बारे में असल बात तो ये है कि ये जो डिपेंडेंसी थे ये थेरिस्ट थे, ये वर्ल्ड सिस्टम थे थे कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट ये कहते थे कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दो स्टेट को सारे रिसोर्स दे दो स्टेट जो है वो तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर ले तो अल्लाह अल्लाह खैर औरत खुद ही तरक्की कर जाएगी इस चीज के ऊपर अब क्रिटिसिज्म आ रहा है हमारे पास कम्युनिस्ट की तरफ से तो पहली तो उनकी जो जेंडर की डेवलपमेंट के बारे में रॉन्ग एजन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम अबाउट डिवेलपमेंट ऑफ जेंडर तो क्या थी? ये हम पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं पहली बात तो ये है कि वो इन्होंने भी कोई डिवेलपमेंट की जो एफर्ट्स को तो ये भी इग्नोर कर गए अगर ये कह रहे हैं पहली बात तो ये है कि अगर कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने ग्रो किया है उसमें कोई वेमेन का रोल था अगर कोई कोर कंट्री कोई पेरिफेरल कंट्री से सेमी पेरिफेरी कंट्री की तरफ आया है कोई एटलीस्ट अपनी उस कंडीशन से कोई कोर कंट्रीज के करीब आया जिनको अब हम मिडिल इनकम कंट्रीज कह देते हैं या डेवलपिंग स्टेट्स कह देते हैं वो अंडर डेवलप और डेवलप्ड के दरम्यान में लाई करती हैं डेवलपिंग स्टेट्स तो अगर कोई डेवलपिंग स्टेट बनी है तो उसमें वेमेन का क्या रोल रहा है या yeah, आपका सिस्टम हम मान लेते हैं हम हम कम्युनिस्ट सिस्टम ले आते हैं इसमें आपने कोई बात की हो कि वेमेन कैसे उनका रोल क्या है इकोनमी में यू हैव नॉट अबाउट द रोल ऑफ वेमेन तो सबसे पहला तो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है यार औरत को आप यहाँ भी भूल गए ना एक, एक, आप एक, आप इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं उसकी वर्ल्ड में फैलाव की बात कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं ट्रेड की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की कर रहे हैं अंडर डेवलपमेंट की कर रहे हैं आपने इकॉनमी का एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे तक एनालिसिस ले और औरत का नाम तक नहीं लिया ना ये कहा है आपने कि औरत तरक्की का हिस्सा कहाँ बनी है या ना आपने ये बात की है कि औरत अफेक्ट कहाँ हुई है सो विमेन आर एन इग्नोर्ड रियलिटी इन डेवलपमेंट एफर्ट औरत की तो आपने बात ही नहीं की कि उनका भी कोई रोल है डेवलपमेंट एफर्ट्स में आपका मॉडल मान लेते हैं उसमें आपने कोई बात की है कि अगर कम्युनिज्म ले आते हैं तो फिर औरत क्या कर सकती है क्या करती है या जहां कम्युनिज्म है वहां औरत क्या कर रही है सो विमेन आर एन इग्नोर्ड रियलिटी इन द डेवलपमेंट एफर्ट्स ये पहला उनका क्रिटिसिज्म था कि यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट देयर रोल फिर आपने विमेन की सबॉर्डिनेशन की रूट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया फेल हुए इस चीज़ में फेलियर टू तो रिकॉग्नाइज रूट्स ऑफ़ विमेन सबॉर्डिनेशन रूट्स क्या है रूट्स आप जड़ से आप आप ऊपर से जा बालों से पकड़ रहे हैं जड़ से नहीं आप पकड़ रहे हैं। आप बहुत ऊपर जाके स्टेट के, के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं जबकि औरत की सबॉर्डिनेशन तो कल्चर का मसला है या औरत की सबॉर्डिनेशन रियासत के लेवल पे नहीं बल्कि घर से शुरू होती है कॉमो के लेवल पे आप उसको देख रहे हैं बहुत मेगा ट्रेंड देख रहे हैं औरत की सबॉर्डिनेशन तो घर से शुरू होती है वो तो एक सोच का नाम है वो तो एक रसम और रवाज का नाम है सो जो रूट्स हैं सबॉर्डिनेशन की विमेन की उसको आपने बात नहीं की इस पर एक इनका ये क्रिटिसिज्म था वर्ल्ड सिस्टम नॉट You have failed to recognize the roots of subordination of subordination रूटिनेशन एक आप इनका ये मसला था मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म का बेड़ा गर्क कर दो ओवर कर दो आप कम्युनिज्म ले और तरक्की कर जाएगी भाई ये दो मोशी निजामों का तस्दम है आप इसमें से एक आ जाए या दूसरा आ जाए देर इज नो बेटर इकोनॉमिक सिस्टम वेन इट कम्स टू चेंजिंग द लॉट ऑफ वेमेन उनकी जो विमेन लॉट है जो उनकी जो उनकी कंडीशंस हैं, उनको चेंज करने की बात करें तो तुम आ जाओ या तुम आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपकी ये रॉन्ग रॉन्गमशन है कि अगर कम्युनिज्म आ गया तो फिर अगर कम्युनिज्म से ही औरत की कंडीशन बेहतर हो सकती तो फिर दुनिया में कम्युनिस्ट स्टेट्स तो बहुत सी थी उस टाइम एक 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 जॉइंट पड़ा हुआ था यूएसएसआर और उसके इन्फ्लुएंस में बहुत सी आप उन कंट्रीज की औरत की कंडीशन बेहतर हो गई है जो आप कह रहे हैं कि अगर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया तो व्यूमिन की कंडीशन बेहतर हो जाएंगे सो दिस इज नॉट सोल्यूशन आपकी ये भी इंजम्पन फ्लॉड है कि औरत तरक्की कर जाएगी अगर आप औरत इमेंसिपेट हो जाएगी अगर आप कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देते हैं तो ये एक उनका था फिर आप जो है वो औरतों की अदम मसावत को अंडर डेवलपमेंट को कैपिटलिस्ट फिनना कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेंग एट कल्चरल फिनमना ऊपर भी ये बात हो गई है फिर एक और आपसे गलती हुई है कि आपने जेंडर का जो रोल है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर क्या है ये जो फसलों में काम करती हैं ये जो घरों में औरतें काम करती हैं किसी भी सेक्टर में आपने औरत का रोल रिकॉग्नाइज नहीं किया और क्या है इनका क्रिटिसिज्म आपने जो डेवलपमेंट थेरीज दी हैं या जो आपने कोई भी मॉडर्नाइजेशन थेरीज दी हैं इनमें आपने स्पेसिफिकली कोई बात की है कि कोई पॉलिसीज औरत की तरक्की के लिए बात की हो कि वो किस तरह डेवलप करेंगी कोई कोई ऐसी पॉलिसीज डिजाइन की हो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात की हो कि अगर ये अपॉर्चुनिटीज हों तो उससे वेमेन ग्रो करेंगी आपने ऐसी कोई पॉलिसीज की बात नहीं की कोई इस तरह का आपने कुछ भी नहीं दिया तो ये था फिर जेंडर का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी अब इसमें स्टूडेंट्स को जो चीज समझ नहीं ना आती सबसे पहले तो यही नहीं आती कि वर्ल्ड सिस्टम आप किताबें पढ़ेंगे पढ़ के देख लें आपको समझ नहीं आएगी कि वर्ल्ड सिस्टम थे क्या चाह रहे हैं इनका सारा एनालिसिस था कैपिटलिज्म का कैपिटलिज्म ने जो जो पहले हम उसको स्पेसिफिकली देख रहे थे औरत के परस्पेक्टिव से अब हमने उसको स्पेसिफिकली देखा है वर्ल्ड के लेवल पे कैपिटलिज्म ने क्या क्या किया है अब जिस तरह कैपिटलिज्म ने औरत को एक्सप्लॉयट किया है आप इसमें बात कर सकते हैं अगर क्वेश्चन सारा आया ही मैंने कैपिटलिज्म का एनालिसिस विद दर... विद स्पेसिफिकली रिस्पेक्ट टू वैसे तो निकाल के साइड पे कर दिया तो वर्ल्ड सिस्टम में जब आप कै, 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 कैपिटलिज्म के ऊपर बात करेंगे तो आप जेंडर का एनालिसिस वहां पे दें मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया है कि मेरिट्स डी मेरिट्स क्या है उनकी तो डी मेरिट्स पर बात कर लें क्योंकि ये डिपेंडेंसी वजह से ये तो डीमेरिट्स के बारे में ही बात कर सकते हैं ना तो कैपिटलिज्म ने वीमेन के लिए क्या नुकसान किया इस पे आप बात कर लें पहला पहला आपका पह इसको ये एक्सप्लेन कर दें कैपिटलिज्म दुनिया में इमर्ज कैसे हुआ ये वाला सेक्शन बेशक थोड़ा कर दें। क्योंकि समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को इस वजह से मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया परिफ्री कंट्री कोर कंट्री ये ये वाली एक्सप्लेनेशन भी मैंने थोड़ी लंबी लिखी हुई आप बेशक इसको शॉर्ट कर दें जेंडर स्टडी के परस्पेक्टिव से जो एनालिसिस होना था वो मैंने आपको समझा दिया लेकिन उस एनालिसिस तक जाने तक पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि है क्या ये थे तो इस पे हमारा वर्ल्ड सिस्टम एंड डिपेंडेंसी थेरी और इसका जो भी जेंडर से जेंडर स्टडीज के रिलेटेड इसमें जो बात है वो हमने आज एक्सप्लेन कर दी है अब इन इस जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर यही फिर रियलाइजेशन हुई कि दुनिया में विमेन इन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया विड जिसको हम कहते हैं मान लिया गया कि विमेन आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट एफर्ट्स सो पहली जो विड थी इट वाज अ मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इमेन्सिपेशन ऑफ विमेन फर्स्ट अप्रोच दैट वॉज एडॉप्टेड बाई डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बात की इम्पावर की थ्रू स्पेसिफिक से रखा गया क्योंकि पीछे खप रहे थे आपने तो नाम तक नहीं लिया औरत, औरत को डिवेलपमेंट एफर्ट में शामिल भी है यानी सो दिस वॉज द लॉजिक पहली जो डिवेलपमेंट एफर्ट थी उसका नाम विड रखा गया दिस वुड बी आर नेक्स्ट लेक्चर अभी किसी के कोई क्वेश्चंस